बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरीद मरवत। टुडे आवर टॉपिक इज प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटोजोवा आर कॉल्ड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। द वर्ड प्रोटोजोवा इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स फर्स्ट एनिमल। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोवा मीन एनिमल। प्रोटोजोवा प्रोटिस्ट का एक ग्रुप है और इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है उसको हम बोलते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसको ये जो नाम दिया गया प्रोटोजोवा, जिसका मतलब है फर्स्ट एनिमल, इसको ये नाम क्यों दिया गया? प्रोटोजोवा का नाम क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली एनिमल नहीं बने, बल्कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से प्रोटिस्टा का ये जो ग्रुप है या ये जो प्रोटिस्टा है जिसको हम प्रोटोजोआ या एनिमल लाइक प्रोटीज बोलते हैं वो बने, और फिर इन एनिमल लाइक प्रोटीज में एवोल्यूशन होती गई और इससे एनिमल बने। तो प्रोकैरियोट्स में एवोल्यूशन के ज़रिए जो पहले ऑर्गेनिज्म जो एनिमल की तरह थे वो कौन से थे? प्रोटोजोन थे, वो ये प्रोटीज थे। तो इसी वजह से इसको प्रोटोजोआ का नाम दिया गया जिसको बोला जाता है फर्स्ट एनिमल्स। इसको एनिमल लाइक प्रोटीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एनिमल की तरह करेक्टरिस्टिक्स आए। कौन से एनिमल करेक्टरिस्टिक इसके अंदर आए? पहली करेक्टरिस्टिक ये इंजेस्ट फूड, खुराक को इंजेस्ट करते हैं। ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बनी बनी खुराक बाहर से लेते हैं और इंजेस्ट करके लेते हैं। और बिल्कुल जिस तरह के एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर के सेल के अंदर भी सेल वॉल नहीं है, और एनिमल के सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके सेल के अंदर भी सेंट्रियोल होता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये बिल्कुल एनिमल वाले की तरह है। तो इसी वजह से प्रोटोजोन को बोला जाता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन कोई मल्टीसेलुलर नहीं है, सारे के सारे यूनिसेलुलर है, और यूकैरियोट्स है, यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल होता है जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ही नहीं है। तो प्रोटोजोन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, सेल हैज आ स्ट्रक्चर, जिस तरह के बाकी जो यूकैरियोट्स है या जो बाकी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद होती है वो तमाम के तमाम स्ट्रक्चर इसके अंदर भी मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडीज है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो ये स्ट्रक्चर जो बाकी सेल्स के अंदर होती है इनके सेल्स के अंदर भी ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। स्पेशलाइज वैक्यूल्स सच एज फूड वैक्यूल दैट इन विच फूड इज डाइजेस्टेड, इसके अंदर स्पेशलाइज वैक्यूल होते हैं, और वो स्पेशलाइज वैक्यूल में एक वैक्यूल है जिसको बोला जाता है फूड वैक्यूल। बाहर से जब ये खुराक इंजेस्ट करके लेते हैं तो वो खुराक इसके फूड वैक्यूल के अंदर आ जाती है, और फिर उस फूड वैक्यूल के अंदर खुराक डाइजेस्ट होती है। तो ये जो वैक्यूल है जिसके अंदर खुराक डाइजेस्ट होती है ये इसको फूड वैक्यूल बोला जाता है। फूड वैक्यूल के अलावा एक और तरह का वैक्यूल भी इसके अंदर होता है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये काम होता है कि एक्स्ट्रा वाटर, अगर ये फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं तो फ्रेश वाटर के अंदर रहने की वजह से एक्स्ट्रा वाटर इसके बॉडी के अंदर आता है। तो इसके सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर होती है। ये जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गन लोकोमोशन जिस स्ट्रक्चर की वजह से, जिस ऑर्गन की वजह से ये मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर की वजह से ये मूव करते हैं। इसके अंदर एक जो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से मूवमेंट होती है उसको बोला जाता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया अमीबा के अंदर पाया जाता है, वो इसकी वजह से लोकोमोशन करता है। बिल्कुल इस तरह फ्लैजेला, ट्रायपैनोसोम्स के अंदर फ्लैजेला लगा होता है इसकी वजह से, और सीलिया पैरामीशियम जो करना लोकोमोशन करता है वो किसकी वजह से करता है? सीलिया की वजह से करता है। लेकिन इसके कुछ मेंबर ऐसे भी हैं, कुछ प्रोटोजोन ऐसे भी हैं कि वो उसके अंदर लोकोमोटरी आर्गन नहीं है, जिस तरह के हमारे पास आए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है और इसके अंदर कोई लोकोमोटरी आर्गन नहीं है जिसकी वजह से ये लोकोमोशन कर सके। रीजनरेशन कामन है, अगर इसकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो वो उसको क्या कर लेता है? दोबारा रीफार्म कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्ट, डारमेंट रेजिस्टेंस स्ट्रक टू पास अनफेवरेबल कंडीशन, जहाँ पर ये रह रहे हैं अगर वहाँ पर कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए उसके मरने का ख़तरा होता है,
तो ये अपने सेल के इर्द गिर्द एक थिक रेजिस्टेंट वॉल बना लेता है, और जो स्ट्रक्चर इससे बन जाती है उसको बोला जाता है सिस्ट। तो अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन में ये किल ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर सिस्ट बना लेता है, और सिस्ट की फॉर्म में ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर लेते हैं। एनिमल की बहुत सारे करेक्टर इसके अंदर मौजूद है, तो फिर इसको किंगडम एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा जाता। और ये भी याद रखें कि पहले ये इंक्लूड थे किंगडम एनिमेलिया में, बाद में इसको किंगडम एनिमेलिया से निकाला गया। किंगडम एनिमेलिया से क्यों निकाला गया, वो इसलिए निकाला गया कि ये यूनिसेलुलर है और एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और वो जो ग्रुप्स है प्रोटोजोन को फोर मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और ये फोर मेजर जो ग्रुप्स बनाए गए हैं किस बेस के ऊपर बनाए गए, मीन्स ऑफ लोकोमोशन, किस तरह लोकोमोशन होती है, किस तरह वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। जिस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में बताया कि कुछ के अंदर सेडोपोडिया की वजह से मूवमेंट होती है, कुछ फ्लेजेला के जरिए जो कहना मूव करते हैं, कुछ सीलिया के जरिए मूव करते हैं, कुछ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है नहीं। तो प्रोटोजोआ को फोर मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ लोकोमोशन और ऑन द बेस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। वो फोर मेजर ग्रुप्स कौन से, एक ग्रुप है इसको बोला जाता है सर्कोडीना, दूसरा ग्रुप है जिसको बोलते हैं जूफ्लेजलेट या मस्टिगोफोरा, तीसरा ग्रुप है सीलिएट या सीलियोफोरन, और चौथा ग्रुप है एपी कम्प्लेक्सन या जिसको बोला जाता है स्पोरोजोआ। तो ये प्रोटोजोन को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को फोर मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और ये जो फोर मेजर ग्रुप बनाए गए मीन ऑफ लोकोमोशन, किस तरह वो लोकोमोशन करते हैं उस बेस के ऊपर बनाए गए। तो सबसे इसका जो पहला ग्रुप है इसको बोला जाता है सर्कोडीना, क्योंकि ये ग्रुप बनाए गए ऑन द बेस ऑफ मीन्स ऑफ लोकोमोशन या लोकोमोटरी आर्गन के बेस के। तो सबसे पहले लोकोमोटरी आर्गन इसके अंदर क्या होता है, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडो का मतलब है फॉल्स, पोडियो का मतलब है फूट, इसका मतलब है फॉल्स फूट। सीडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो सेल के सर्फेस के ऊपर पैदा हो जाती है ड्यू टू साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन। साइटोप्लाज्म इसका एक डायरेक्शन में फ्लो कर लेता है, एक्सटेंड हो जाता है, और साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन की वजह से इसके सरफेस के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है, इसको बोला जाता है सोडोपोडिया। सर्कोडीना के जो मेंबर है वो लोकोमोशन किसके जरिए करते हैं, सोडोपोडिया के जरिए करते हैं। और ये सर्कोडीना जो कहना ज़्यादातर इसके अंदर शेल नहीं होता, लेकिन कुछ इसके मेम्बर ऐसे भी हैं जिसके अंदर शेल पाया जाता है। हैबिटेट कहाँ पर पाया जाता है, मोस्टली एक्वाटिक, पानी के अंदर पाए जाते हैं, और पानी के अंदर फिर किस तरह, फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं, मेरीन वाटर के अंदर भी। बायोलॉजिकली पानी को हम टू टाइप्स में डिवाइड, एक है फ्रेश वाटर, दूसरा मेरीन वाटर। फ्रेश वाटर वो है जिसके अंदर साल्ट्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते। रिवर का वाटर, स्ट्रीम का वाटर, लेक का वाटर, यह फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर के अंदर भी पाया जाता है, और मेरीन वाटर वो है जिसके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सी ओशन का जो पानी होता है वो मेरीन वाटर। तो इसका जो हैबिटेट है, रहने की जगह कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्वाटिक, पानी के अंदर, और दोनों तरह के पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर भी और मेरीन वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। जो नॉन शेल प्रोटोजोआ है वो प्रोटोजोआ जिसके अंदर शेल नहीं है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर के अंदर जो पाए जाते हैं उसके एग्जाम्पल है अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस एक प्रोटोजोआ है और ये फ्री लिविंग है, आज़ाद पाया जाता है। एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, वो जो कहना पेरासाइट होता है और वो जो कहना डायरिया काज करता है। लेकिन ये जो अमीबा प्रोटियस है नो शेल प्रोटोजोन, शेल भी इसके अंदर नहीं है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है और फ्री लिविंग है। कुछ प्रोटोजोन ऐसे होते हैं जिसके अंदर शेल होता है, और जिन प्रोटोजोन के अंदर शेल है वो मेरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। इसका जो शेल है, सेल के बाहर एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। शेल किस चीज़ का बना होता है, शेल कुछ के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है इसको बोलते हैं फोरामिनिफरा या फोरामिनिफेरा, और जिसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर शेल सिलिका का बना होता है, जिसके अंदर शेल सिलिका का बना है उन प्रोटोजोन को बोला जाता है एक्टिनोपोड्स। सर्कोडीना
कुछ सरकुटीना के मेंबर ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, और इसकी एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका जो ह्यूमन बीइंग के अंदर अमेबिक डाइसेंट्री कास कर लेता है, इंसान की बॉडी के अंदर होता है। ये पैरासाइट इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और इसकी वजह से क्या हो जाती है, डाइसेंट्री हो जाती है, जिसको बोला जाता है अमेबिक डाइसेंट्री। ये बात अमीबा है जो नॉन शेल प्रोटोजोन है, और इसके सरफेस के ऊपर ये अगर आप देखें इसके सरफेस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सोडोपोडिया है। सोडोपोडिया में इस तरह बन जाता है कि ये अमीबा है, इसका साइटोप्लाज्म इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसकी वजह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सोडोपोडिया कहलाती है, इसकी वजह से फिर इसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। ये जो है ना एक्टिनोपोड को दिखाया गया है, और ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल होता है फोरामिनिफरेंस, वो जो कहना दिखाए गए। ये दोनों एक्टिनोपोड और फोरामिनिफरेंस मेरिन वाटर के अंदर पाया जाता है, और इसके अलावा जो ऊपर अमीबा दिखाया गया है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। लेकिन सरकोडीना ये जो ग्रुप है प्रोटोजोन का, इसमें लोकोमोटरी आर्गन सोडोपोडिया होता है। सोडोपोडिया के जरिए जो भी प्रोटोजोन हरकत करते हैं उसको सरकोडीना में रखा गया है। देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन दैट इज कॉल्ड ज़ूफ्लैजेलेट्स। ज़ूफ्लैजेलेट, ज़ू का मतलब है एनिमल, फ्लैजेलेट्स फ्लैजेला इसके अंदर होता है। तो ज़ूफ्लैजेलेट प्रोटोजोन का दूसरा ग्रुप है, और इसमें लोकोमोटरी आर्गन क्या है, फ्लैजेला। फ्लैजेला की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। वेयर दे आर फाउंड, दे आर फाउंड इन वाटर, पानी के अंदर ये पाए जाते हैं। कौन फ्लैजेलेट्स, मेरीन और फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और ये स्टोन के साथ जो कहना एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये मेरीन या फ्रेश वाटर के अंदर स्टोन के साथ अटैच होते हैं। फ्लैजेला कवर्ड बाई डेलिकेट कॉलर लाइक सेल दैट इज फाउंड इन स्पंजिस। फ्लैजेला जहाँ से रायज होते हैं वहाँ पर जो कहना कॉलर होता है, और ये कॉलर बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह के स्पंजिस या पुरीफ्रा के जो मेम्बर है जिसको स्पंजिस बोलते हैं, वहाँ पर जिस तरह के कॉलर होता है बिल्कुल इसी तरह के कॉलर इसके अंदर पाया जाता है। ज़ूफ्लैजेलेट के कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, और इसके पैरासाइट ज़ूफ्लैजेलेट की एग्जांपल है ट्राइपेनोसोम्स, ट्राइपेनोसोमा जो ह्यूमन पैरासाइट है और इंसान के अंदर एक डिजीज़ काज करता है जिसको बोला जाता है ट्राइपेनोसोमियसिस। ट्रिपनोसोमियसिस जो कहना एक बीमारी है वो ये ट्राइपेनोसोमा की वजह से काज होती है। ये हमारे जो कहना ट्राइपेनोसोमा को दिखाया गया है, ये इसकी जो कहना फ्लैजेला है, इस फ्लैजेला की मदद से ये क्या करता है, हरकत करता है, ये एक पैरासाइट है और डिजीज भी कास करता है। तीसरा जो ग्रुप है प्रोटोजोआ का उसको बोला जाता है सीलिएट्स। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर लोकोमोटरी आर्गन क्या होगा और इसको सीलिएट का नाम क्यों दिया गया। लोकोमोटरी आर्गन इसके अंदर सीलिया है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इसके अंदर सीलिया है, सीलिया इसका लोकोमोटरी आर्गन है, तो इसी वजह से इस ग्रुप को नाम दिया गया सीलिएट्स। पेलिकल फ्लेक्सिबल कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और इसकी एक और करेक्टरिस्टिक ये है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग मौजूद होती है, और वो जो कवरिंग जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है पेलिकल, इसके अंदर पेलिकल भी पाया जाता है। सीलिएट की एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसके अंदर दो न्यूक्लियाई, नॉर्मली हमारे पास सेल जो होते हैं एक न्यूक्लियाई, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, दो न्यूक्लियाई होती है। एक को बोला जाता है माइक्रो न्यूक्लियाई, स्मॉल होती है और डिप्लॉयड होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है। एक होती है मैक्रो न्यूक्लियस, लार्ज पॉलीप्लॉयड, डिप्लॉयड के अंदर क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, पॉलीप्लॉयड के अंदर जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो पॉलीप्लॉयड है, बड़ी है, और इसके अंदर जो कहना क्रोमोसोम के बहुत ज़्यादा सेट्स पड़े होते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस या पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस का क्या काम है, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, केमिकल रिएक्शन, ग्रोथ जो सेल करता है वो सारा का सारा मैक्रो न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है। मैक्रो न्यूक्लियस ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इसकी एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। ये पैरामीशियम पूरी बॉडी को कवर किया हुआ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ने, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। इसके अलावा ये देखें, ये है माइक्रो न्यूक्लियस, छोटे वाला न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मैक्रो न्यूक्लियस बड़े वाला न्यूक्लियस जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रैक्टाइल वेसिकल की हमने बात की कि वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालता है प्रोटोजोन के अंदर मौजूद है, ये कंट्रैक्टाइल वेसिकल दिखाया गया। इसके अलावा फूड वेसिकल, ये जो कहना पेलिकल भी दिखाया गया, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग है पेलिकल, और इसके अलावा पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वेसिकल भी जो कहना इसके अंदर मौजूद है। और ये गुल्लेट है, गुल्लेट यूँ समझ लें कि गुल्लेट माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, इसके जरिए जो कहना क्या करता है,
वो इंटेक ऑफ फूड करता है। तो ये सीलिया, सीलिएट, जिसकी फिर सीलिया होता है, पेरामीशियम एक सीलिएट प्रोटोजोन है, वो दिखाया दिख गया है। और इसको जो कहना, ये जो ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सीलिया है। और सीलिया ही की मां से ये क्या करता रहता है, लोकोमोशन करता रहता है। देयर इज द फोर्थ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोआ दैट आर आल्सो कॉल्ड एपी कम्प्लेक्सन्स। ये फोर्थ ग्रुप है। लोकोमोटरी ऑर्गन, नो स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन बट कैन मूव बाई फ्लेक्सिंग बॉडी। कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, जिस तरह के हमने पहले में सोडोपोडिया, दूसरे में फ्लेजेला, तीसरे में सीलिया, लेकिन ये जो ग्रुप है इसके मेंबर के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन कोई नहीं, लेकिन ये मूव कर लेते हैं बाई फ्लेक्सिंग अ बॉडी वॉल। ये अपनी बॉडी को या सेल को फ्लेक्स करता है, बेंड करता है, सीधा हो जाता है। तो बॉडी की जो सेल की जो बेंडिंग है, इसकी मदद से ये लोकोमोशन कर लेता है, अगरचे कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन इसके अंदर मौजूद नहीं है। प्रोड्यूस इन्फेक्टिव स्पोर एट सम स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, ट्रांसमिटेड टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड कॉज इन्फेक्शन। ये स्पोर पैदा करता है, और वो स्पोर जो कहने क्या करते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं। वो स्पोर, इसके स्पोर जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं तो उधर जाके ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये इसके स्पोर हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं, और इसकी मदद से ये जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं, वो इन्फेक्शन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फिर ट्रांसफ़र हो जाती है। मोस्ट कम्प्लीट लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, ज़्यादातर जो इसका जो लाइफ साइकिल है, उसकी जो ज़िंदगी गुजरती है, दो होस्ट के अंदर गुजरती है। और दो होस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पोरोजोआ या एपिकम्प्लेक्सन की एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, वो है प्लाज्मोडियम। ये पैरासिटिक स्पोरोजोआ है, ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कंप्लीट, एक इसका होस्ट है मैन और दूसरा इसका होस्ट होता है क्या, मॉस्किटो। ये जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में लेके जाता है, तो जब ह्यूमन बीइंग को मॉस्किटो बाइट करता है तो ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। वही मॉस्किटो जब हेल्थी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा तो वो क्या कर लेगा, प्लाज्मोडियम उधर ट्रांसफ़र कर लेगा। तो इसकी मदद से बीमारी जो कहना हेल्थ मलेरियल पेशेंट से हेल्थ इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग से मॉस्किटो में चला जाता है, तो इसके दो होस्ट है, एक ह्यूमन बीइंग और दूसरा क्या है, मॉस्किटो। ये प्लाज्मोडियम दिखाया गया है, ये प्लाज्मोडियम सेल है। और ये भी आपको बता दूं कि प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर आता है, और बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाके ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, और रेड ब्लड सेल की जब बस्टिंग होती है तो इसकी मलेरियल सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। पहले जब मॉस्किटो बाइट करता है ब्लड के अंदर, तो ये लीवर के अंदर चला जाता है, लीवर से फिर ये रेड ब्लड सेल्स में जाता है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो इसकी वजह से उसकी बस्टिंग भी होती है। ये प्लाज्मोडियम है, ये हमारे पास स्पोरोजोआ या एपिकम्प्लेक्सन से बिलोंग करता है। कोई लोकोमोटरी ऑर्गन, अगर आप इसके सेल को देखें, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं इसके अंदर मौजूद नहीं है। बाकी न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपरेटस, एपिकल के माइक्रोटिब्यूल और रोटरी वगैरह, ये स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है, लेकिन लोकोमोटरी ऑर्गन कोई नहीं। लेकिन ये अपने सेल को बेंड करके, इसकी सेल की बेंडिंग की वजह से ये क्या कर सकता है, लोकोमोशन करता है। तो प्रोटोजोन का वो जो ग्रुप है, आखिरी जो ग्रुप है जिसको स्पोरोजोआ या एपिकम्प्लेक्सन बोलते हैं, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स हैं, ये वो ग्रुप है, ये स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का वो ग्रुप है जिसके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो कहने के हैं पैरासाइट है। और कुछ इसके जो पैरासाइट ऐसे भी हैं कि दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ गुजारते हैं। और मोस्ट कॉमन पैरासिटिक मेंबर स्पोरोजोआ का कौन सा है, प्लाज्मोडियम है, जो क्या कास करता है, मलेरिया कास करता है। तो प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, ये प्रोटिस्ट है, लेकिन किसकी तरह है, एनिमल की तरह है, एनिमल की तरह प्रोटिज्म। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि खुराक को इंजेस्ट करते हैं, सेल वाल इसके अंदर मौजूद नहीं, और सेंट्रियोल इसके अंदर होते हैं, इसी वजह से इसको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। इसको जो नाम दिया गया प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, जोआ का मतलब एनिमल, इसको ये प्रोटोजोआ या फर्स्ट एनिमल का नाम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया प्रोकैरियोटिक से जो पहले ऑर्गेनिज्म बने जो एनिमल की तरह थे, वो कौन से थे, वो ये थे। तो इसी वजह से इसको प्रोटोजोआ फर्स्ट एनिमल का नाम दिया गया, प्रोकैरियोट से पहले ये
बने और इससे जो कहना ये जो प्रोटोजोन है प्रोटोजोन से फिर एनिमल बनते हैं। तो पहले जो एनिमल की तरह ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से बने वो प्रोटो वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे, तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया प्रोटोजोआ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं आप सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।